हेलो सर, हाँ बेटा, मैं सर ये पूछ रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन हीट में कौन सी जगह पे है? मैं बताऊंगा ना होमवर्क क्या करना है। ओके सर, मतलब सर ये क्वेश्चन आपने खुद से दिया है अपने आप? हाँ ओके सर, देखो, फर्स्ट वाले में मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक की बतानी है। ए लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और कितनी आएगी, माइनस डी अपॉन 4 ए के बराबर। माइनस डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो ये आ जाएगा माइनस का 36 प्लस का 60 अपॉन माइनस 12, माइनस 96 अपॉन माइनस 12 8। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है क्वाड्रेटिक की वो कितनी आ रही है, 8। समझ आ गया ना सबको? सेकेंड वाले में बोल रहे वो कि एक्स इक्वल टू 2 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 ए पर। वो कह रहा है एक्स इक्वल टू 2 पे आ रही है, तो बी इक्वल टू माइनस 4 ए पता चल गया एक तो यहाँ पे। और मिनिमम वैल्यू आती है माइनस डी अपॉन 4 ए के इक्वल। माइनस डी अपॉन 4 कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a8 अपॉन 4a। ये 6 दे रखी है तो 32a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 24a। ये एक और इक्वेशन आ गया, इनको सॉल्व करो। b की वैल्यू माइनस 4a यहां पर रखो तो ये 32a माइनस 24a, 8a इक्वल टू बी स्क्वायर 16a स्क्वायर। तो a इक्वल टू या तो 0 होगा या a इक्वल टू आएगा 1/2। अब a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो बोल रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। a 1/2 आ गया तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस 2। a 1/2 और b माइनस 2। हेलो सर, हाँ बेटा, सर एक की तो सर एक ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि 6a² से एक एक कट जाएगा उसका, सर एक ही तो एक ही वैल्यू आएगी, थोड़ी दो वैल्यू आएंगी। ए से ए तभी तो कर सकता है जब ए 0 ना हो। अगर ए 0 होगा तो कैसे कट जाएगा, ऐसा भी कुछ होता है? ओके सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैंने बताया नहीं आपको, दोनों साइड से कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करते, ये डिस्कशन ओके हो रहा सर, था। यस सर, यस सर, ओके सर। सर आपने ये भी कहा था कि अगर दोनों साइड से फैक्टर को कैंसिल करते हैं हम, तो हमें उसे इक्वल रखना पड़ता है 0 के। हाँ हाँ, इक्वल 0 रख के एक सॉल्यूशन आ जाता है, वो लिख देते हैं। हो गया, ये हो गया। अभी आपको कोई फंक्शन दे दे, वो ax प्लस b अपॉन px प्लस q इस टाइप का, और बोले वो कि इसकी रेंज बताओ। जैसे x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आएंगे, तो रेंज का मतलब हो गया कि जितनी भी x की वैल्यू हम रख सकते हैं हमने सब रख ली। अब बताओ आंसर कहाँ से कहाँ तक आए,
रेंज का मतलब समझ में आया? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें हमने सारी वैल्यू x की रख ली, जैसे x 1 रख के 1 आएगा, 2 रख के 4 आएगा, 3 रख के 9 आएगा, 2.5 रख के 6.25 आएगा, माइनस 2 रख के 4 आएगा, तो इस तरह से x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज मतलब इसके सारे जो आंसर आएंगे वो किस इंटरवल के अंदर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर का हाँ आउटपुट होती है रेंज, तो एक्स की सारी वैल्यू रख ली हमने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, जो भी वैल्यू हमें पता होती है जितनी रख सकते हैं वो सब रख ली, तो इसके जो आंसर है वो किस इंटरवल में आएंगे। तो हमें पता ही है स्क्वायर है किसी का, तो जीरो से छोटा तो आंसर आएगा नहीं, तो जीरो से इनफाइनाइट तक इसके आंसर आएंगे। एक्स इक्वल टू जीरो रख के जीरो आ जाएगा, फिर जीरो से बड़ी जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे उतने ही बड़े आंसर होते जाएंगे, जितनी एक्स की वैल्यू बड़ी रखोगे उतना ही बड़ा आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर इसकी रेंज पूछ रहा है वो कि एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग आंसर आएंगे, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज निकालने का तरीका है, इसकी रेंज को वाई मान लो, है ना, एफ एक्स को वाई रख लो और एक्स की रेंज निकाल लो। अब इस एक्सप्रेशन को देखो कि अगर x रियल है तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू नहीं हो सकती a अपॉन p, y की वैल्यू अगर a अपॉन p हो गई तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, तो y की वैल्यू a अपॉन p नहीं आ सकती, और y की वैल्यू रखेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग x आ जाएगा। तो जैसे y इक्वल टू हमने 2 रखा तो उसके करेस्पॉन्डिंग x आ जाएगा कि इतना x रखने पर y 2 आ जाएगा, तो y की सारी वैल्यू हो सकती है बस a अपॉन p नहीं हो सकती, तो इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी रियल नंबर माइनस a अपॉन p। x ग्रेटर देन 0 होगा ये कोई जरूरी थोड़ी है, x नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर आता तो हम कहते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे ऐसे सवाल हो जाता 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसकी रेंज पूछता, एफ एक्स इक्वल टू वाई रख लेते। वैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का मैं तरीका भी बताऊंगा, और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते। अब हमें पता है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो या उससे बड़ी होगी, तो 5/2 x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो ये जीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, -1 और -2/5 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन जीरो कह रहा है पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो फिर हम बता देते हैं कि वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -2/5 से इनफाइनाइट, ये y की वैल्यू हो सकती है, यानी कि ये रेंज आ सकती है इसकी। सर हाँ बेटा, सर जो आपने यहाँ पे y is not equals to a upon p ये कैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। ओके सर। हेलो सर, रेंज में नहीं आएगा a upon p। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हम इक्वेशन की ओनली रेंज निकाल पाते हैं, और क्या बताओ, डोमेन नहीं निकालते सर। हाँ सर, वो कैसे निकलती हैं? तो डोमेन रेंज जब बताएंगे तब बताएंगे, अभी ये क्वाड्रेटिक में इतना ही है। ओके सर। सर हाँ सर, आपने बोला था, आपने बोला एक्स का जो आवाज नहीं आ रही सर, एक्स की जो वैल्यू है सर जीरो से पॉजिटिव नहीं। सर हाँ, सर ये बोल रहा हूँ, आपने ऊपर लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
और जीरो से लेके इनफिनिटी तक सर हम एक्स की तो कोई सी वैल्यू रख सकते हैं ना। ये रेंज है बेटा, रेंज आंसर किस इंटरवल में आएंगे वो है। ओके सर, सर मैं सोच रहा था उसकी डोमेन बता रहे हैं। नहीं नहीं डोमेन नहीं, रेंज है सर। हम सर हम रेंज वाई एक्सिस के अलोंग बताते हैं ना। हाँ इसका मतलब y की ये सारी वैल्यू पुट करने पर x सेटिस्फाई होगा। y की ये सब वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू जब रखेंगे अलग अलग तो इस इंटरवल में y की वैल्यू आएंगी। ओके सर। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा है अभी डोमेन रेंज की अगर आपको ज्यादा समझ नहीं है तो आप प्रोसेस रट लेना ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा है और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का आइडिया लगाना है या इसकी रेंज निकालनी है तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो तो अभी तक सारी क्वेश्चंस में किया हमने, दो क्वेश्चन पहले भी बताया हमने भी किया था। और x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। ठीक है, अब x जब हम यहाँ पे रखेंगे तो वो रियल वैल्यू रखेंगे x की, इस इक्वेशन से जो y आएगा वो रियल वैल्यू पे आएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसमें x क्या है रियल, तो इसका d होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ही x की वैल्यू रियल आती है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो ऐसा आएगा, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आपको y में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, कुछ y स्क्वायर कुछ y कुछ कॉन्स्टेंट, इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाएगी। फिर इसके फैक्टर वेक्टर करके इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आपको आता ही, आप बता देंगे कि y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अच्छा सर, मतलब जहां तक y की वैल्यू होगी जहां से जहां तक वही उसकी रेंज होंगी। हां वही रेंज है। ओके थैंक यू। बराबर तो लिख लिया ना भाई, तो जो इसकी वैल्यू वही y की वैल्यू। प्रोसेस रट लो, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, डी ग्रेटर देन जीरो लगाना है, फिर वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सर ये डी ग्रेटर देन जीरो कैसे लगाया आपने? एक्स रियल है ना बेटा, रियल ही वैल्यू तो रखोगे एक्स की। ओके सर, जो आप वाई निकालना चाहते हैं वो रियल वैल्यू के लिए तो निकालना चाहते हैं, जो एक्स की रियल वैल्यू रखने पर जो वाई आ रहा हो। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो सब देख लेंगे बाद में, पहले इससे आप आंसर निकालना सीखिए। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने?
फर्स्ट वाला देखो एफ एक्स की जगह वाई रख लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अब इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना है, तो ये आएगा 9y² - 6y + 1 - 16y, तो 9y² - 22y + 1 > 0। इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या सर, वहां पे सर 6 × y भी तो होगा। हाँ सर 6 × y दूसरे स्टेप में। अच्छा ये 6y होगा ना, तभी मैं कहूँ कि कैसे अजीब सा आ रहा है, फैक्टर नहीं हो रहे मुझसे। चलो x² y तो ये हो गया ना 3y - x। अच्छा ये 6y - 2 आएगा, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। और ये यहाँ पे क्या आएगा b² - 4ac 6y - 2, तो ये आ जाएगा 9y² - 6y + 1 - 24y² + 8y। तो ये टोटल हो जाएगा माइनस का 15y² + 2y + 1, माइनस का डिवाइड लगा दो यार, ऐसा आ जाएगा 15y² - 2y - 1 < 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस का डिवाइड लगाएंगे। अब इसके वेक्टर हो जाएंगे 3y - 1 और 5y + 1, तो y की तो वैल्यू आ रही है -1/5 और 1/3, प्लस माइनस प्लस < 0 कह रहा है, नेगेटिव वाला आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, वाई बिलोंग्स टू -1/5 से 1/3, तो मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू -1/5 आएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी 1/3 आएगी। इनको भी पैसे मिल रहे हैं क्या हुआ बेटा? खाली उनको नहीं, इनको भी मिल रहे हैं पैसे तो। अरे वो दब रहा है लेकिन वो चैनल ही नहीं आता है, इसको मार रही है। किसी का माइक खुला हुआ है बेटा, माइक बंद कर लो। ये समझ आ गया भाई फर्स्ट पार्ट? और लिख भी दिया होगा, रोड ब्रैकेट क्यों लगाए थे ये पूछ रहे हो क्या? वो ग्रेटर देन इक्वल टू था ना या लेस देन इक्वल टू था? इक्वल टू का साइन लगा हुआ था इसीलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया। हाँ भाई इसको क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y - 1 x² + 3y + 1 x + 4y - 1 = 0। अब यहां पे लगाएंगे d > 0।
यहाँ से क्या आएगा, नाइन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन इंटू फोर वाई माइनस वन, ये आ गया। इसको ऐसे लिख लो थ्री वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको लिख लो फोर वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी सेवन वाई माइनस वन और ए माइनस बी माइनस वाई प्लस सेवन, सेवन वाई माइनस वन यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर डिवाइड लगा दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है वन बाई सेवन और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है सेवन प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा। y बिलोंग्स टू वन बाई सेवन टू सेवन, मिनिमम वैल्यू होगी वन बाई सेवन और मैक्सिमम वैल्यू होगी सेवन। हेलो सर। हाँ बेटा। सर जो आपने लिखा है वो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, वो तो वाई प्लस वन है और वो वाई माइनस वन है, सर आपने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया है जबकि होना चाहिए वाई स्क्वायर माइनस वन। बेटा बी स्क्वायर तो ये था फोर ए और सी, ये दोनों वाई माइनस वन ही तो है। ओके सर थैंक यू, मतलब मैं कंफ्यूज हूं, गलती हो जाती है मुझसे लेकिन मैं हमेशा गलती थोड़ी करता हूँ। नहीं सर वो ऐसा नहीं। लिख लिया अच्छा। कभी कभी क्या होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होता नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बना के वो लिख देता है। जैसे थर्ड पार्ट इसी का ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब इसको अगर गौर से देखें तो ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है और ये x प्लस थ्री एक्स माइनस टू, हेलो सर आपकी हेलो सर सर स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। अरे इधर तो सिग्नल ठीक आ रहा है। हो गई सर सही? हो गई। हाँ सर हो गई। अब देखो अब क्या होगा, x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा अगर x टू नहीं है ना। वैसे भी x इक्वल टू टू पे कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं आंसर में क्योंकि जीरो अपॉन जीरो बनेगा तो x टू नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। x माइनस टू से x माइनस टू कट गया तो ये क्वेश्चन बस इतना सा रह गया। और इसकी रेंज निकालने की प्रोसेस आपको पता ही है, y मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो। अब वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस, वाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती तो इसकी जो रेंज है वो क्या लिखेंगे, रियल नंबर माइनस वन। एक और चीज सुनो, यहां तक आ गया ना समझ में? सर ये रेंज और रियल नंबर कैसे लिख दिया? y की वैल्यू वन, सबसे पहला एग्जांपल बेटा ऐसे ही कराया था, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, यही देखते हैं वो जो a अपॉन p आ रहा था क्या आ रहा था तो इसमें बस y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वन नहीं हो सकती क्योंकि y इक्वल टू वन पे x नॉट डिफाइंड आएगा और सभी y के लिए कुछ ना कुछ x आएगा, यानी कि और सभी y की वैल्यू किसी न किसी x पे आ जाएंगी, बस y की वैल्यू 1 नहीं आएगी कभी। तो y की वैल्यू 1 नहीं आएगी और सब आ जाएंगी, मतलब इसकी रेंज हो गई रियल नंबर माइनस 1, 1 को छोड़ के और सारी रियल वैल्यू आ जाएंगी। सर हाँ बेटा
सर फिर हम x की वैल्यू 2 भी तो नहीं ले सकते, तो फिर है ना जो जब 2 है ना रुको, यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको? यस सर। ठीक है, अब हमने एक चीज हटाई थी कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये रेंज हमने इसकी निकाली है, इसकी थोड़ी है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें x इक्वल टू 2 हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, लेकिन इससे ये बताया हमें पता है कि x इक्वल टू 2 नहीं रखना है हमें, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा x इक्वल टू 2 रख के आएगा कितना आंसर, x इक्वल टू 2 रख के 1/5 आएगा, लेकिन हम x इक्वल टू 2 रख ही नहीं सकते, रख नहीं सकते, इसका मतलब 1/5 आएगा भी नहीं। अगर केवल इसकी रेंज पूछता तो वो रियल नंबर -1 ठीक थी, लेकिन ये जो फंक्शन आया है वो यहाँ से आया है, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल करके, x माइनस टू से x माइनस टू तभी कैंसिल कर सकते जब x 2 ना हो। तो x अगर 2 नहीं है तो 2 रख के जो 1/5 बन रहा है वो भी नहीं बनेगा फिर कभी, तो ये 1/5 और हटाना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा सा नया एलिमेंट था इसमें। हेलो सर, अगर कॉमन फैक्टर हो रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के और कैंसिल हो रहे हैं, तो बस ये एक वैल्यू और इसको रख करके जो आती है वो हटानी पड़ती है, बचा हुआ सब कुछ सेम है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो आप? सर आपने अभी बताया सर, वही पूछना था। ठीक है, एक और सबसे मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ इसका, पहले सबसे आसान था फिर थोड़ा मुश्किल फिर उससे भी मुश्किल, अब ये एक और नया। सर एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 रख के क्यों नहीं निकाला, ये जो नया एक्सप्रेशन आया था उसमें क्यों डाला था? क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 नहीं हो सकता ना, a इक्वल टू 2 पे 0.0 आ रहा। यस सर। सर नए एक्सप्रेशन में x इक्वल टू 2 क्यों डाला है? नए एक्सप्रेशन में इसलिए डाला है क्योंकि पुराने एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो नए एक्सप्रेशन से x इक्वल टू 2 रख के जो वैल्यू आ रही होगी वो आ ही नहीं पाएगी क्योंकि हम x इक्वल टू 2 रख ही नहीं सकते। अच्छा सर। समझ आया नहीं आया? वो आ गया सर। पुराने एक्सप्रेशन को देख के हमें ये पता चला कि x की वैल्यू हम 2 रख नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब हमने पुराने एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके नया एक्सप्रेशन तो बना लिया, लेकिन हमें ये अंदर ही अंदर मालूम है कि हम x इक्वल टू 2 इसमें नहीं रख सकते, तो नए एक्सप्रेशन से x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आ नहीं पाएगी क्योंकि हम रख ही नहीं पाएंगे x इक्वल टू 2। ओके सर, ये दिखाई दे रहा क्वेश्चन आपको? हेलो सर, आपकी स्क्रीन साफ नहीं आ रही है। यस सर, लिंक कम हो गई थी बेटा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस a मे बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज x बीइंग एनी रियल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन को भी मैं ही कराता हूं, वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है ना वो उसने सीधे सीधे नहीं बोला है, थोड़ा घुमा करके बोला है।
अच्छे से समझना बेटा, है ना। देखो काम वही करेंगे हम, y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या वो क्वाड्रेटिक? 5 y माइनस a x स्क्वायर प्लस 7 1 माइनस y x प्लस a y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब इसमें लगाएंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रटा रटाया प्रोसेस है हमारा, बिना कुछ सोचे समझे कर देते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4 a c, तो यहां से आएगा 49 y स्क्वायर और यहां से आएगा 20 a y स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट लिखूं या एक लाइन और लिख दूं? एक लाइन लिख देता हूं, ज्यादा होशियार करने के चक्कर में कभी कभी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। ये हो गया 5 a y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y माइनस 25 y माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस 20 प्लस 5, तो ये आएगा 49 माइनस 20 ए वाई स्क्वायर। कितने वाई स्क्वायर हो गए, कितने वाई आ रहे हैं? एक यहां से आएगा 4 ए स्क्वायर y, एक आएगा 100 y और माइनस 98 y 2 y। 100 y यहां से आएंगे, 98 y माइनस के यहां पर, ठीक है। और कांस्टेंट ऑफ कितना आएगा? 49 तो इधर आएगा प्लस का और ये है आपका माइनस के 28। यहां तक समझ लो और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। अब तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। देखो ये y में जो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसमें a भी फंसा हुआ है, ये नंबर्स में नहीं है कि हम इसके फैक्टर कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? a की वैल्यू बतानी है हमें और ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई भी वैल्यू लेने के कैपेबल है, यानी कि जैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से कुछ भी आ सकती है। तो वाई की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, यानी कि रेंज जो है इसकी वो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक है, यानी ये जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये समझ आया कि मैंने जो बाद में लिखा दिया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर? हेलो सर, एक बार रिपीट कर दो प्लीज सर, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिगड़ गया। ध्यान से सुनना। ओके सर। ये एक्सप्रेशन कैपेबल है सारी वैल्यू लेने के, दिस एक्सप्रेशन मे बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, ऑल रियल वैल्यू आ सकती है इसकी। ओके सर। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कोई तो वाई माना था, यानी कि वाई की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। तो ये जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वाई में वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो हमें पता है, और वाई की जो वैल्यू है वो हमें पता है रियल नंबर है। सर इसका मतलब वाई 0 भी रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं सर। फिर तो एक वाई की वैल्यू 0 भी आ सकती है, ये कहो। अगर वो इसको ऐसे लिख देते ना कि ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर, ये जो है ये
कोई भी रियल वैल्यू अटेम्प्ट कर सकता है, सीधे लिख देता बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो तुम जब वाई मानते तो आराम से लिख देते कि वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी इसकी लैंग्वेज को समझ के आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सर फिर ए वी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 49 अपॉन 20 हो जाएगा। ए क्या होगा उसको छोड़ो, पहले यहाँ तक बताओ कि ये समझ आया क्या? यस सर ये तो क्लियर है। उसने लैंग्वेज में बोला है कि इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, इसी को हमने वाई मान लिया, मतलब वाई की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। यानी ये जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा चाहे वाई की कोई भी रियल वैल्यू हो, यानी कि सभी वाई की रियल वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आगे की बात शुरू होती है, बस इस क्वेश्चन में यही खेल था। अगर आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसा दिखता है। तो मैंने बताया था आपको कि ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, ए मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन जीरो और डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ये दो कंडीशन लगानी होती हैं। बस अगर इतनी कंडीशन लगा दी तो ए की वैल्यू अब आईडी लग जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 49 ग्रेटर देन 20 ए, ए लेस देन 49 बाई 20। और कुछ यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, आगे सॉल्व कर लोगे नहीं कर पाओगे। ये 2 भी यहां से कॉमन ले लो तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा बाहर और वो 4 पूरे में से 0 में चला जाएगा। कैसे बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 49 माइनस 2a का 20a का स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन लिया था बाहर आके वो 4 हो गया था क्योंकि स्क्वायर लगाया 4 और ये वाला 4 कॉमन लेके 0 में पहुंचा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो होल स्क्वायर फोर में तो दिक्कत हो जाएगी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ तक पहुंच गए। 2 का डिवाइड इसमें 2 कॉमन ले लो इसमें से 2 इसमें से और डिवाइड लगा दो तो a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 5 और a स्क्वायर प्लस 10 a माइनस 24। यहाँ तक बताओ सर। आपसे ये पूछना था सर कि सर हम y की वैल्यू 0 पुट करके हम आंसर नहीं निकाल सकते थे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि केवल y की 0 ही थोड़ी है वैल्यू, y की माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक है वैल्यू। केवल 0 पुट करके तो वो आंसर आएगा कि y की वैल्यू 0 कब होगी। अच्छा सर a पे y की वैल्यू 0 कब होगी? हाँ हाँ वो आएगा, वो आंसर केवल y इक्वल टू 0 का आंसर होगा। y इक्वल टू 1 का फिर अलग निकालोगे, y इक्वल टू 2 का अलग निकालोगे, y इक्वल टू 3 का अलग निकालोगे, ऐसे करोगे क्या? नो सर, नो सर। ओके सर। हाँ कॉमन दिया या फोर दिया? क्या 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 कॉमन दिया है ना सर, वो स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 49। अरे यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से 2 सर, वहां से 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो वो कॉमन बाहर ब्रैकेट से निकालेंगे तो स्क्वायर भी तो लगाए तो 4 हो जाएगा ना बाहर आते ही। ओके सर। 4 और 4 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दिए। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया बेटा, अच्छे से समझना। अब देखो अब क्या आया, ये आया a माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा a प्लस 12 और a माइनस 2। नंबर लाइन बना लो माइनस 12 2 और 5 प्लस प्लस माइनस प्लस
ये साइन कन्वेंशन समझ में आया आपको? सबसे राइट में प्लस लगाते हैं, फिर फाइव इस वाले फैक्टर पे इवन पावर है इसीलिए चेंज नहीं किया, प्लस का प्लस ही रहने दिया, फिर इस पे ऑड पावर है तो चेंज कर दिया, फिर इस पे भी ऑड पावर है तो चेंज कर दिया। अब लेस देन जीरो पूछ रहा है, लेस देन जीरो कहां से कहां तक दिख रहा है आपको? माइनस ट्वेल्व से टू तक, ए की जो वैल्यू होगी वो माइनस ट्वेल्व से टू तक होगी। हो गया, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालनी है वो क्लियर है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर डी ग्रेटर देन जीरो लगा देना, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इसी क्वेश्चन में जो सर ए था वो आया था ग्रेटर देन 49/20, हाँ सर, उससे आंसर का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब होगा, क्यों नहीं होगा? क्या आया था? ए लेस देन नहीं सर, ग्रेटर देन था। अरे लेस देन होगा यार। ओ यस सर। हाँ ए लेस देन क्या आया था? 49/20। यस सर। तो ये 2.45 ही तो आ रहा है, और फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा था? माइनस 12 से 2 तक आ रहा था भाई। ओके सर, तो ये इन दोनों के बीच में लाएगा, इससे छोटा ही है ना? यस सर। इन दोनों का कॉमन देखते तो कॉमन देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इससे छोटा हमें दिख रहा था, लेकिन सही रहा हमने बता दिया, मुझे ही बताना चाहिए था कि कॉमन देखेंगे। इसके बाद कॉमन रूट की कंडीशन समझो, ये क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक अगर आ गया है तो कॉमन रूट वाला खेल और समझ लो, है ना? कंडीशन और कॉमन रूट, थोड़ी सी इंक और डाल दूं, नहीं दिखाई नहीं देगा आपको। सुनो, मान लो दो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं आपको, a1x² + b1x + c1 = 0 और a2x² + b2x + c2 = 0। ये दो क्वाड्रेटिक हैं और इन दोनों की एक कॉमन रूट है, या इन दोनों में कोई कॉमन रूट अगर है, एक रूट भी कॉमन हो सकती है और दो रूट भी कॉमन हो सकती है, पहले एक रूट कॉमन की कंडीशन हम समझते हैं ना? अगर एक रूट कॉमन होगी, एक रूट कॉमन मान लेते हैं, तो मान लो इसके रूट है अल्फा और बीटा और इसके रूट है अल्फा और गामा, तो अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इक्वेशन को अगर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, a1 अल्फा स्क्वायर + b1 अल्फा + c1 = 0 होगा और a2 अल्फा स्क्वायर + b2 अल्फा + c2 = 0 होगा। ये दो इक्वेशन आ रहे हैं अल्फा स्क्वायर और अल्फा में, 10th क्लास में हमने ही ऐसे दो इक्वेशन पढ़े थे x और y में, a1x + b1y + c1 = 0
और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। और हमने उनको सॉल्व करना भी सीखा था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह से हम सॉल्व करके अल्फा को एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, मैं लगाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अल्फा स्क्वायर अपॉन, जैसे एक्स अपॉन वाई अपॉन और वन अपॉन लिखते थे ना, एक्स की जगह बस इसमें अल्फा स्क्वायर है, वाई की जगह अल्फा है। एक्स अपॉन होता था बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, वाई अपॉन होता था सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और वन अपॉन होता था ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो जब फर्स्ट और लास्ट को इक्वल लेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। जब सेकेंड और लास्ट को इक्वल लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये अल्फा की वैल्यू आ रही है और ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, लग रहा होगा? तो सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग लगा देते स्क्वायर। बराबर होगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसके इक्वल होगा। तो देखो एक पावर तो डिनोमिनेटर भी नहीं बढ़ जाएगी इससे, एक पावर बचेगी उसका इधर मल्टीप्लाई करो। तो ये आ रहा है सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का स्क्वायर इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी। ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इनमें एक रिलेशन आया कि अगर कोई दो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं और उनमें अगर कोई कॉमन रूट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब कॉमन रूट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसका मतलब कॉमन रूट नहीं है। अगर दो क्वाड्रेटिक के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री की वैल्यू, सी थ्री कहाँ है इसमें, ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू की वैल्यू अगर इनकी जगह पर रखने पे ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो समझ लो कॉमन रूट होगी उन क्वाड्रेटिक्स में, अगर नहीं आ रही तो समझ लो नहीं होगी। सर जी, सर वहाँ पे ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया था सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन में? बेटा ये अल्फा की वैल्यू थी, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। अल्फा की वैल्यू का स्क्वायर ही तो बराबर होगा इसके। तुम ये समझ लो बस अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, तो इसका स्क्वायर बराबर ये। हेलो सर। हाँ बेटा। सर हमें जो अब इक्वेशन बन के आई है वो लर्न करनी पड़ेगी, मतलब याद करनी पड़ेगी या फिर मतलब कि पढ़ने पढ़ के काम हो जाएगा? याद हो जाएगी आराम से, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके सर। नहीं याद हो तो प्रोसेस याद रखो, दो ही लाइन तो लिखनी है। सभी कॉमन रूट वाले क्वेश्चंस में ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 60-70% क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं बिना कंडीशन लगाई। और भी तरीके हैं समझेंगे, लेकिन ये कंडीशन अगर याद हो जाए तो बेटर है, नहीं हो पाए तो ये प्रोसेस याद रखें। दो क्वाड्रेटिक हैं, अगर उनके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, तो समझ जाओ दोनों के बीच में क्वाड्रेटिक कॉमन रूट होगा, और नहीं कर रहे तो नहीं होगा। ये कितनी कंडीशन है, कंडीशन रुको बेटा रुको, और एट लीस्ट वन कॉमन रूट,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई ना कोई कॉमन रूट जरूर होगा, एक भी हो सकता है दोनों भी हो सकता है। हाँ बेटा बोलो। सर जो भी आपने क्वेश्चन दिया था थर्ड वाला fx जहां पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 की इक्वल था, वहां पे हम इसे अप्लाई कर सकते थे? नहीं। अच्छा जो कॉमन रूट आ रहे थे उसमें उसकी बात कर रही हो? माइनस 2 कॉमन जिसमें था। हाँ कॉमन रूट आ रहा था उसमें, तो उधर कर सकते थे ना अप्लाई? नहीं वो रेंज निकालने का क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है सर, उसमें कुछ और पूछ रहा था। यहाँ पे हम क्या बता कर रहे हैं कि इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, कोई कॉमन रूट है या नहीं है। वहां पे हमसे क्या पूछ रहा था कि ये अपॉन ये दिखेंगे तो एक्स की अलग अलग वैल्यू रखने पे जो आंसर आएंगे वो किस इंटरवल में आएंगे, दो अलग अलग चीजें है ना वो। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ऐसा दो तीन क्वेश्चन करवा दीजिए इसके रिलेटेड, सर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अरे यार तुम बहुत जल्दी में रहते हो, करवाएंगे ना अभी, कंडीशन बताइए क्वेश्चन भी करवाएंगे। ओके सर। अभी एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज बताई थी तो उसके कराए थे ना तीन चार क्वेश्चन, बहुत जल्दी है तुम्हें। तो ये जो कंडीशन है वो एटलीस्ट वन कॉमन रूट की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इसका मतलब कि एक ना एक कॉमन रूट अवश्य होगा, एक कॉमन रूट भी हो सकता है एक से ज्यादा भी, मतलब दो कॉमन रूट भी हो सकते हैं। अच्छा लेकिन पक्का पता हो कि दोनों कॉमन रूट है, कि दो क्वाड्रेटिक हैं और दोनों ही रूट कॉमन है, पहले वाले के जो अल्फा अल्फा आ रहे हैं वो दूसरे वाले के भी अल्फा, मतलब पहले वाले के जो अल्फा बीटा है वही दूसरे वाले के भी अल्फा बीटा है, दोनों रूट कॉमन है। तो दोनों रूट अगर कॉमन है तो दोनों क्वाड्रेटिक ही सेम होंगे फिर तो। नहीं होने चाहिए बताओ, अगर क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है तो दोनों क्वाड्रेटिक ही सेम होने चाहिए। तो बिल्कुल सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। ये जो कंडीशन है फॉर बोथ रूट कॉमन की है, दोनों रूट कॉमन हो तो केवल इतनी सी कंडीशन लगा दो, ये आसान भी है याद करने के, याद करने में आसान रहेगी। और अगर दोनों रूट कॉमन है तो वो बड़ी वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी वाली कंडीशन में एक रूट कॉमन भी हो सकता है दो भी कॉमन हो सकते हैं, ये स्पेशली दो कॉमन रूट के लिए। जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके रूट आएंगे फैक्टर आएंगे x माइनस 1 x माइनस 2, तो इसके रूट है 1 और 2। अब ऐसे मैंने दूसरा क्वाड्रेटिक लिख दिया इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसके भी तुम फैक्टर वैक्टर करोगे तो x की वैल्यू 1 और 2 ही आएंगे। तो जो इसके रूट है वही इसके रूट है, दोनों क्वाड्रेटिक के सेम रूट है, बोथ कॉमन रूट है इसमें। तो अगर बिल्कुल बराबर नहीं हो रहे कोफिशिएंट तो क्या होंगे, रेशियो पक्का बराबर होगा। जैसे 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 2 अपॉन 2। तो दो क्वाड्रेटिक हैं और उनमें दोनों रूट कॉमन हैं तो इसका मतलब उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल आएगा। पैरेलल रूट्स क्या होते हैं बेटा, पैरेलल रूट्स? सर सर तो फिर तो ये तो इनफिनिट रूट हो जाएंगे इन दोनों के तो। नहीं कहाँ हो रहे इनफाइनाइट रूट, 1 और 2 इसके रूट है, 1 और 2 इसके रूट है, कहाँ इनफाइनाइट हुए भाई? सर अच्छा ठीक है सर, कुछ और सर। अरे वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया आपने कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon सर वो लीनियर x और y अलग अलग पॉइंट, हां इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे ये बात है, वो उसमें पढ़ा था। पैरेलल रूट्स नहीं लाइन होती है। हाँ तो ये स्पेशल कंडीशन है फॉर बोथ रूट कॉमन के लिए, याद हो पाएगी ये? यस। और सुनो कॉमन रूट निकालने की जुगाड़ बताता हूं मैं तुम्हें एक और।
जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके रूट है टू और थ्री, और एक है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके वन और टू, इसके रूट क्या है टू और थ्री, और इसके रूट क्या है वन और टू, है ना। बिना रूट निकाले हम कैसे बता देंगे कि कौन सा रूट कॉमन है इनका? देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं जो कि पहले से हैं इसमें, अगर नहीं हो इक्वल, जैसे यहाँ पर टू होता तो ऊपर वाले में भी टू का मल्टीप्लाई कर देते, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल कर लेने हैं और फिर एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अभी तो इक्वल है ही, हमें करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया देखो माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू टू, पता चल गया कि x इक्वल टू टू इन दोनों क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट है। मजा आया नहीं आया? दो क्वाड्रेटिक का कौन सा रूट कॉमन है ये पता करना हो तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एलिमिनेट करना है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कैसे एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट इक्वल करके, ज्यादातर क्वाड्रेटिक में इक्वल होते हैं, अगर नहीं भी हो तो आप कर लेना इक्वल, और फिर एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट ही होगी, ये पक्का है। सर ऐसा हुआ क्या बेटा? सर ये ऐसा हुआ क्यों? हुआ क्यों? हुआ यूं, देखो पहले वाले को ऐसे लिख लो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू कॉमन आ गया, x माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस वन, ये सब कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो डिवाइड होगा तो यही तो आएगा कॉमन रूट, अपने आप बच जाएगी। ओके सर, तो कॉमन रूट निकालने के लिए जो कहानी समझाई है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करके एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर, तो ये समझ में आ गई? ठीक है, अब इस पे भी तीन चार क्वेश्चन कर लेते हैं। एक भैया बहुत परेशान थे, क्या नाम था उनका? तनिष्क। चलो दो तीन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। Find the values of k for which the equation three x square plus four k x plus two equal to zero and two x square plus three x minus two equal to zero have a common root. इस क्वेश्चन को करो और डेढ़ मिनट तक कोई बोलना नहीं, मैं भी आया है ना। हाँ भाई सुनो, इसको करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो है कि कॉमन रूट की कंडीशन बताई है मैंने आपको, वो लगा लो। दो तरीके बताऊंगा ना, एक बिना कंडीशन के एक कंडीशन के साथ।
ये ध्यान रखना यहाँ पे हमें कॉमन रूट नहीं निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। कॉमन रूट अगर निकालनी होती तो हम कोशिश करते वही एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट इक्वल करने की, लेकिन यहाँ पर हमें के की वैल्यू बतानी है, ये उसने बताया कि इसकी कॉमन रूट है ना। तो कॉमन रूट के लिए अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक की रूट कॉमन है तो वो कंडीशन लिखवाई थी सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर, वही वाली कंडीशन लगाओ। देखो सी वन टू ए टू बी टू माइनस सी टू माइनस टू ए वन थ्री, सी वन ए टू क्या हो गया सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का स्क्वायर इक्वल टू ए वन बी टू थ्री इंटू थ्री माइनस ए टू बी वन टू इंटू फोर के इंटू बी वन सी टू फोर के इंटू माइनस टू माइनस बी टू सी वन थ्री इंटू टू। तो ये आ जाएगा आपका सिक्स और फोर टेन का स्क्वायर हंड्रेड, और ये आएगा नाइन माइनस एट के, और ये आएगा माइनस एट के माइनस सिक्स, करना मल्टीप्लाई माइनस सेवेंटी टू के प्लस सिक्सटी फोर के स्क्वायर माइनस के फिफ्टी फोर प्लस के फोर्टी एट के, तो यह आया सिक्सटी फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के माइनस वन फिफ्टी फोर इक्वल टू जीरो। ये बताओ कुछ डिवाइड लग जाएगा कि किसी का, बताओ बताओ यार। अरे टू का तो लग ही जाएगा, टू का तो दिख ही जाएगा मुझे, थर्टी टू के स्क्वायर माइनस ट्वेल्व के माइनस सेवेंटी सेवन, इसके फैक्टर करना तो मुश्किल हो गया यार। फैक्टर चार फॉर्मूला लगाएंगे, इसे इसके अलावा कुछ नहीं सकता। वाला सर तो वो आएंगे ना, नहीं सर दराचार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके फैक्टर 8k माइनस 11 और 4k माइनस 7 तो नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है, माइनस के 44 और प्लस के माइनस के लिया है, 8k प्लस 11 कर दो, ये कितना हो गया 32k स्क्वायर प्लस के 44 के माइनस के 56 के, 44 माइनस 56 माइनस कर आ गया। तो k की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस 11 बाई 8 और एक आ रही है 7 बाई 2। हेलो सर। हाँ सर, आप इतने जल्दी निकल कैसे लेते हो इतने बड़े बड़े उसका वो रूट, मतलब वो एक रूट्स फैक्टर फैक्टर ऐसे कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सर आप, मतलब मुझे तो आता नहीं है। आ गया आपको? यस सर। देखो इसमें थोड़ी देर के लिए 4k को आप t लिख लो है ना, 4k को, तो ये 16k स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब देखिएगा आपको 14 इंटू 11 देखिएगा ना। यस सर। 4k को t लिख दिया थोड़ी देर के लिए, तो अब आपको 77 इंटू टू, तो 7 इसमें से निकाल लो, 14 इंटू 11 दिख रहा है जिससे 3 बन जाएगा। अब तो हो जाएंगे फैक्टर। यस सर। ऐसे कर दो। तो माइनस 11 बाई 8 और 7 बाई 4 दो वैल्यू आई, ये तो कंडीशन लगाई हमने ना। देखो दूसरा क्वाड्रेटिक अगर अच्छे से दे रखा है और रूट भी उसके अच्छे से आ रहे हैं तो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके फैक्टर करना क्या आएंगे बताओ,
क्या आ रहा है क्या? सही है, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू और वन बाई टू। अब इसके दो रूट आ रहे हैं माइनस टू और वन बाई टू, इसके भी दो रूट होंगे। अब वो कह रहा है कॉमन रूट है, तो या तो माइनस टू कॉमन रूट होगा या वन बाई टू कॉमन रूट होगा। तो अगर माइनस टू कॉमन रूट होगा तो माइनस टू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर के इंटू माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया ट्वेल्व माइनस एट के प्लस टू, एट के इक्वल टू फोर्टीन, के इक्वल टू सेवन बाई फोर। ऐसा आ रहा था क्या अपना आंसर, के इक्वल टू सेवन बाई फोर? यस सर। ठीक है, और अगर वन बाई टू इसका कॉमन रूट होगा तो वन बाई टू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k की वैल्यू या तो 7 बाई 4 होगी या माइनस 11 बाई 8 होगी, यही तो आंसर आ रहे थे। तो इसमें बिना कंडीशन के ही हो गया। एक और करोगे? एक और करते हैं, चलो। तो लास्ट में आपने x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल के क्यों देखी थी? कौन सी इक्वेशन में डाल के देखी थी? यस सर, क्यों किया था वो? पता है। हाँ भाई, अरे दो क्वाड्रेटिक थे, एक क्वाड्रेटिक पहले लिखा था, एक क्वाड्रेटिक दूसरा लिखा था। तो कह रहा था कि दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है ना, इसके रूट मुझे पता चल गए थे टू और माइनस टू। तो अगर इसमें टू कॉमन होगा, टू कॉमन रूट होगा, तो इसके रूट टू और अल्फा टाइप के होंगे, और अगर माइनस वन बाई टू कॉमन रूट होगा तो इसके रूट माइनस वन बाई टू कॉमन अल्फा टाइप के होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो मतलब टू कॉमन रूट होगा तो टू इसका भी तो रूट होगा, तो टू इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। इसका तो है ही, इसको भी सेटिस्फाई करेगा अगर कॉमन रूट है तो। यस सर। हाँ, ऐसे ही माइनस वन बाई टू अगर कॉमन रूट होगा तो माइनस वन बाई टू इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो दो अलग अलग कंडीशन में दो अलग अलग k की वैल्यू आ रही है। अगर टू कॉमन रूट होता है तो k की वैल्यू ये होगी, और माइनस वन बाई टू कॉमन रूट होता है तो k की वैल्यू ये होगी। अच्छा ठीक है, सही है ना? इस क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक जो है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक और ये वाला क्वाड्रेटिक, इनके कॉमन रूट है। जैसे इसका अल्फा बीटा, इसका अल्फा गामा, तो अल्फा कॉमन हो गया। अब कह रहा है कि इनके जो अनकॉमन रूट थे
यानी इसका बीटा और इसका गामा, प्रूव करो कि वो इसके रूट है। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो इसके रूट हैं अल्फा और बीटा और इसके रूट हैं अल्फा और गामा, कह रहा है इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है, तो प्रूव करो कि इनके जो अनकॉमन रूट है, अनकॉमन रूट कौन से हैं? बीटा कॉमन नहीं है, इसका गामा कॉमन नहीं है, ये जो अनकॉमन रूट है वो इसके रूट है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो अब सुनो, ये जो दो क्वाड्रेटिक दे रखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इनका कॉमन रूट निकालो पहले। कॉमन रूट निकालने के लिए मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट इक्वल करते हैं और एक इक्वेशन में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट तो पहले से इक्वल है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आएगा बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस डी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, मतलब इनका जो कॉमन रूट है वो एक्स इक्वल टू वन है, पक्का ना? अब एक और चीज सुनो, जैसे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा अल्फा इंटू बीटा वो सी आएगा, सी अपॉन ए से। अब एक रूट तो हमें पता चल गया अल्फा वन है, तो बीटा हमें पता चल गया ना, बीटा सी होगा। ऐसे ही इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से निकालू अल्फा इंटू गामा तो वो आएगा बी सी अपॉन ए से। अब अल्फा कॉमन रूट तो पता ही है मुझे वन है, तो गामा आ गया बी, यानी कि जो अनकॉमन रूट थे इसका अनकॉमन रूट है सी और इसका अनकॉमन रूट है बी। एक और चीज, जो कॉमन रूट है ना एक्स इक्वल टू वन वो सेटिस्फाई करेगा ना इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका भी रूट है एक्स इक्वल टू वन, इसका भी रूट है, तो एक्स इक्वल टू इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आएगा वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। बस इसमें रखेंगे तब भी यही आएगा वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें रखेंगे तब भी यही आएगा वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। पहले इतना पचा लो तब मैं आगे समझाता हूँ। हाँ बेटा, तो प्लीज ये बता दीजिए कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को सी के इक्वल क्यों रखा और अल्फा इंटू गामा को बी के इक्वल क्यों रखा? अल्फा इंटू बीटा, बेटा इसके दो रूट थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा सी अपॉन ए। अच्छा अच्छा ठीक है सर, आया समझ में? हाँ सर, आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही इसके रूट थे अल्फा और गामा, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी अपॉन ए से इसका बी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है। तो अब हमें वो क्वाड्रेटिक निकालना है जो अनकॉमन रूट से बनाए, अनकॉमन रूट मतलब बीटा और गामा, इनपे जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा यानी कि बी प्लस सी एक्स प्लस बी इंटू सी इक्वल टू जीरो। अनकॉमन रूट थे बी और सी, इनसे जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। अब b प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी माइनस वन, b प्लस सी की वैल्यू माइनस वन रख दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, ये ऐसा क्वाड्रेटिक आ रहा है जो इन दोनों क्वाड्रेटिक के अनकॉमन रूट से मिलकर के बना है। समझ आया क्या? आयुष और रोहन को आ गया, दिव्यांशी को आ गया, विपुल को भी आ गया मुझे लग रहा है सब लोगों को। सही सही बताओ, क्या आप लोगों ने टेंथ में ऐसा सोचा था कि क्वाड्रेटिक इतना भयानक होगा?
नो सर, ऐसा लगता था ना क्वाड्रेटिक में है ही क्या, फैक्टर कर लो नहीं हो रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, ब्रह्मास्त्र है वो तो। यस सर, यही लगता था सच में। इसके आगे देख रहे हो कितना भयानक है। चलो ये नोट कर लिया हो तो एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, अब समझो कितना मक्कार है ये। सीधे सीधे आपसे नहीं बोल रहा है वो कि कॉमन रूट है, वो बोल रहा है कि एक क्यूबिक के ये दोनों फैक्टर हैं। क्यूबिक के बारे में आप अच्छे से जानते हो, क्यूबिक के तीन ही रूट हो सकते हैं, तो तीन ही फैक्टर हो सकते हैं। अब इस क्यूबिक के फैक्टर से हमें दो क्वाड्रेटिक बनाने हैं, तो जैसे एक क्वाड्रेटिक मैंने अल्फा और बीटा लेकर के इन दो फैक्टर्स को लेकर के ले लिया, एक इन दोनों को, तो एक कॉमन नहीं हो जाएगी रूट। बोलो बोलो, समझ आया क्या कि अगर एक ही क्यूबिक में दो क्वाड्रेटिक का, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक का डिवाइड जा रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन हो। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो बस इनडायरेक्टली वो यही बोल रहा था कि इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट वाली कहानी लगा दो फिर। एक क्वाड्रेटिक तो दे रखा है आपको 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43x प्लस k, एक दे रखा है x स्क्वायर प्लस k माइनस 29x माइनस k इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ कि आप कंडीशन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते? नो सर, सर हम वैसे कॉमन वैसे मल्टीप्लाई करके कर देंगे। ठीक है, कंडीशन नहीं लगाना चाहते तो आप पहले कॉमन रूट निकालो, तो कॉमन रूट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसमें दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 58x माइनस 2k इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गए ना। अब एक इक्वेशन में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर निपट गए, 2k से 2k निपट गए, 58 माइनस 43 15x आ गया, और ये आ गया 2k और k 3k, x की वैल्यू आ गई माइनस k बाई 5, तो जो कॉमन रूट होगी वो क्या होगी, माइनस k बाई 5। तो माइनस k बाई 5 इसकी भी रूट है और माइनस k बाई 5 इसकी भी रूट है, तो
माइनस के बाई फाइव सेटिस्फाई करनी चाहिए फिर इसको, तो किसी को भी चाहे पहले इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरे इक्वेशन में रख दो, एक ही बात है ठीक है ना। तो माइनस के बाई फाइव में दूसरे में रख लेता हूँ, इसमें आसान पड़ेगा, माइनस के बाई फाइव का स्क्वायर प्लस के माइनस 29 माइनस के बाई फाइव माइनस के इक्वल टू जीरो। अब 25 का मल्टीप्लाई कर दो जिससे अपॉन का चक्का खत्म हो जाए, के स्क्वायर माइनस 5k k माइनस 29 माइनस 25k इक्वल टू जीरो। तो ये आया आपका माइनस के 5k स्क्वायर और प्लस का k स्क्वायर माइनस के 4k स्क्वायर, और ये आया आपका 29 इंटू 5 145k माइनस के 25k तो प्लस के 120k माइनस 4 का डिवाइड लगा दो, k स्क्वायर माइनस 30k इक्वल टू जीरो, k k माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो k की दो वैल्यू आ रही हैं 0 और 30, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है तो k की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 30। बोलो कोई समस्या है तो। क्लियर, वेरी गुड, नो समस्या। एक और क्वेश्चन करोगे मुझे पता है, मानोगे नहीं तुम। एक और करोगे कि नहीं? पता था मुझे, ये नोट कर लिया। If A, B, C belong to real numbers and equations AX square plus BX plus C equal to 0 and X square plus 2X plus 9 equal to 0 have a common root then find A to B to C। देखो कैसे होगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसमें भी एक छुपा हुआ रहस्य है। देखो भले ही वो बोल रहा है कि इन दोनों में एक कॉमन रूट है, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ये जो दूसरा वाला क्वाड्रेटिक दे रखा है इसका डी लेस देन जीरो है, ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक गिवन है इसका डी लेस देन जीरो है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 9, हाँ इसका d less than 0 है, इसका मतलब p plus i cube f का अगर इसका एक रूट होगा तो दूसरा रूट p minus i cube f का होगा। इमेजिनरी रूट है तो पेयर में आते हैं, अगर एक p plus i cube f का है तो दूसरा p minus i cube f का है, होगा पक्का। अब सुनो, इनमें से एक रूट को बोल रहा है इसका भी रूट है, मान लो p plus i cube इसका रूट हो गया, मान लो p plus i cube इसका रूट हो गया। अच्छा ए बी सी रियल दे रखे हैं, मैंने बोला था ए बी सी अगर रियल है तो इमेजिनरी रूट अगर आएगा तो पेयर में ही आएगा, तो अगर p plus i cube कॉमन रूट है और इसका रूट हो गया p plus i cube तो पक्का इसका दूसरा रूट भी कॉन्जुगेट वाला होगा p minus i cube, और अगर p minus i cube कॉमन हो गया तो भी पक्का p plus i cube इसका रूट होगा, तो दोनों ही रूट कॉमन होंगे, एक रूट कॉमन नहीं हो सकता। तो भले ही वो बोल रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है, दूसरा भी कॉमन है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो
इन दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, इन दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन है, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन मैंने बताई थी। तो ए इंटू बी इंटू सी कितना आ गया, ये आ गया वन इंटू टू इंटू नाइन। बोलो भाई हेलो सर, ये रूट वाली थोड़ा कंडीशन एक और बार बता दो प्लीज। सुनो, इसके रूट है इमेजिनरी, पेयर में आएंगे। यस सर। अब वो कह रहा है स्क्वाड्रेटिक का स्क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है। ओके सर। तो पी प्लस आई क्यू मतलब इसका रूट है, मान लो इसका भी हो गया पी प्लस आई क्यू, तो इसके भी तो पेयर में आएंगे, फिर इसका भी पी माइनस क्यू आई क्यू होगा। हो गया बस, हो गया, थैंक यू सर। हो गया ना? यस सर। इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि दोनों रूट कॉमन है, बस ये समझना था हमें और क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, होमवर्क में आपको बता दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, अच्छे से ट्राई करना, कम से कम डाउट होने चाहिए, डिस्कशन में कम से कम टाइम लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी बता पाएंगे अच्छे से।